वैसे तो देश का तिरंगा किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी अकेली का नहीं है, सभी को अधिकार है तिरंगा फहराने का। इसी की कड़ी में इस बार 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा फहराने का निर्णय सरकारों के स्तर से लिया गया है। घर घर तिरंगा और गांव गांव डाणी डाणी तिरंगा फहराया जाएगा ताकि देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सके और युवाओं के अंदर खास रूप से प्रेरणा देने का काम किया जा सके। इसी की कड़ी में बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज गांव गांव डाणी डाणी में तिरंगा मुहिम के तहत नौरंग देसर मंडल के समस्त गांवों में निकाली गई है तिरंगा यात्रा। या इसी का दृश्य है आप देख रहे हैं। बीजेपी के जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई और भाजपा युवा नेता अमित साहू और मंडल अध्यक्ष भरत गुदारा के नेतृत्व में यह तिरंगा रैली निकाली जा रही है, यात्रा निकाली जा रही है और गांव गांव डाणी डाणी में अंदर जाकर यह तिरंगे की कहानी, तिरंगे के साथ जुड़ना और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का काम कहीं ना कहीं किया जा रहा है। सभी पार्टियां इसी प्रकार के आयोजन करने को लगी हुई हैं और तिरंगा जो फहराया जाता है उसके बारे में लोगों को समय समय के अनुसार बताया भी जा रहा है कि तिरंगे को फहराने के बाद किस प्रकार सुरक्षित भी रखना है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।